पाए आप लोगों के लिए फ्रेंड्स 5 से 6 कंपनी में जॉब का रिक्वायरमेंट वीडियो लेकर आया हूँ। और फ्रेंड्स आपने थंबनेल पे देखे होंगे जो वहाँ पे मैंने 3 ही का नाम लिया हूँ, बंधन बैंक, आरोहण और उसके बाद HDFC बैंक में। और फ्रेंड्स फ्रेशर को भी मौका दिया गया है, अगर आप लोग इसमें जॉब करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो पूरा देखिए। हर जगह के लिए आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए ज़रूर है, और आप जो है वीडियो पूरा देखिए, स्किप करके मत देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले देखिए यहाँ पे HDFC बैंक में जो आई है जॉब का रिक्वायरमेंट, और इसमें देखिए फ्रेंड्स फ्रेशर कैंडिडेट को मौका दिया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेशर कैंडिडेट को मौका दिया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें जो है जो आपको कलेक्शन ऑफिसर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है, तो चलिए फ्रेंड्स कहाँ कहाँ के लिए आई हुई है मैं सारी बातें आपको बताऊँगा। और फ्रेंड्स बहुत सारी मल्टीपल प्लेस के लिए है, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आपके जिला का 100% होगा, अगर नहीं होगा तो आप लोग हमें कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको, सबसे पहले HDFC बैंक में जो आई हुई है, इसके बाद फ्रेंड्स इसमें जो आप लोग देखिए जो दिया गया हुआ है, आप लोग इसमें बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं अपना, और मेल फीमेल को दोनों को मौका दिया गया, आप लोग यहाँ पर देखिए मेल और फीमेल को दोनों को मौका दिया गया, पुरुष महिला दोनों ही नौकरी कर सकते हैं बिना अनुभव के आधार पे, अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो भी आप लोग कर सकते हैं। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे देखिए कलेक्शन ऑफिसर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। इसके बाद देखिए इसमें फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों को मौका दिया गया, अगर आप फ्रेशर है या आपके पास एक्सपीरियंस है 1 से 2 साल का तो भी आप लोग इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, इस जॉब को कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एज का जो बात दिया गया हुआ है, एज का जो है फ्रेशर कैंडिडेट को दिया गया हुआ है 22 साल से लेके आपको यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए और एक्सपीरियंस को जो है दिया गया हुआ है 18 साल से लेके 30 साल तक मौका दिया गया हुआ है, और फ्रेशर को 22 साल से 30 साल के बीच में मौका दिया गया हुआ है। तो इसके बाद जो है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं बात कर लेता हूँ इसमें क्वालिफिकेशन का, तो क्वालिफिकेशन जो है आपको ग्रेजुएशन चाहिए, और इस जॉब को करने के लिए आपके पास बाइक और ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर आप लोग फीमेल हैं, लड़की हैं, तो आपके पास स्कूटरी होना चाहिए और लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और आपको देखिए जो आपका लोकेशन को देखते हुए जो आपको जो दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोमीटर और मिनिमम से मिनिमम 50 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर के बीच में आपको दिया जाएगा फ्रॉम होम टाउन को आपको देखते हुए। इसके बाद जो फ्रेंड्स इसमें जो है जो आपको सैलरी जो है अच्छी खासी आपको दिया जाएगा कंपनी के अनुसार से। इसके बाद देखिए इसमें अदर बेनिफिट जो आपको दिया जाएगा फ्रेंड्स, फ्यूल अवेयरनेस, उसके बाद आपको PF दिया जाएगा, ESIC दिया जाएगा, मोबाइल अवेयरनेस दिया जाएगा, और आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए वो इंसेंटिव भी आपको दिया जाएगा। और इसका इंटरव्यू का डेट जो दिया गया हुआ है 1/9/2021 को दिया गया हुआ है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो दिया गया इंटरव्यू का डेट 1 तारीख को मतलब होगा, और इसके बाद जो इसका टाइम जो दिया गया है 10 AM से लेकर 2 PM के बीच में आपको पहुँचना है, और इंटरव्यू का डेट 1/9/2021 को दिया गया हुआ। और किस जगह पे इंटरव्यू होगा मैं आपको वो पता भी बता दूँ, और किस लोकेशन के लिए आई हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग देखिए जो किस लोकेशन के लिए आई है, भोपाल के लिए आई हुई है, उसका विदिशा के लिए आई हुई है, फिर बासुदा के लिए आई हुई है, बीना के लिए आई हुई है, ये सारी लोकेशन के लिए जो फ्रेंड्स आप लोग या देखिए आई हुई है, शिवपुरी के लिए, उसके बाद गुना के लिए, ये सारे लोकेशन में जो है आप लोग से हैं, अगर आप लोग इस लोकेशन से तो आप लोग जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए जो फ्रेंड्स नीचे नंबर दिया गया है तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और चलिए फ्रेंड्स मैं आप तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो इंटरव्यू का जो आपको जो देने के लिए जाना होगा, सबसे पहले आप लोग इस ईमेल आईडी को नोट कर दीजिए, आप लोग इस ईमेल आईडी पे अपना रिज्यूम भेज सकते हैं, और जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी कोई भी चार्ज नहीं लेती है। तो चलिए फ्रेंड्स आपको कहाँ पर जाना होगा इंटरव्यू देने के लिए वो भी मैं आपको बता दूँ। देखिए फ्रेंड्स आपको जो इंटरव्यू देने के लिए जाना होगा, आप लोग को HDFC बैंक LTD प्लॉट नंबर 11/12 भाग मंगोलिया भोपाल नियर सेंट्रल प्लाजा मध्य प्रदेश, आपको जो है इस पता पे जाना होगा, मध्य प्रदेश में इंटरव्यू दीजिए। और आपको मैं लोकेशन तो बता दिया हूँ, अगर आप लोग उस लोकेशन से तो आप लोग यहाँ पे जाइए इंटरव्यू दीजिए, और 1 तारीख को। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स अब मैं आरोहण माइक्रो फाइनेंस का बात कर लेता हूँ जो कहाँ पर इंटरव्यू हो। देखिए फ्रेंड्स आरोहण में जो आई हुई है आरोहण माइक्रो फाइनेंस में, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो ये जो है आपको इसमें क्या सुविधा दिया जाएगा, आपको क्या क्वालिफिकेशन दिया गया, और फ्रेशर को भी मौका दिया गया, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। तो आप लोग यहाँ पे देखिए
जो आपको अदर बेनिफिट जो सबसे पहले आपको दिया जाएगा, मोबाइल अवेयरनेस, उसका बॉडी अवेयरनेस, फ्यूल अवेयरनेस, मेडिकल इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये सारी सुविधा आपको दिया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देखिए जो किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है, जो आपको मैं पहले बता दूँ NAPS ट्रेनिंग, उसके बाद जो आपको CRCSR पोस्ट के लिए आई हुई है, इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट को मौका दिया गया है और एज जो है 18 से लेकर 28 साल वालों को मौका दिया गया है और क्वालिफिकेशन 12th चाहिए। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 9,000 रुपया सैलरी आपको दिया जाएगा, उसके बाद 2,200 रुपया फ्यूल का खर्च मतलब पेट्रोल का दिया जाएगा और अदर बेनिफिट आपको अलग से दिया जाएगा ओनली फॉर फ्रेशर। यहाँ पे देखिए फ्रेशर कैंडिडेट के लिए सिर्फ ये मौका दिया गया हुआ है। तो इसका देखिए फ्रेंड्स इसका जो इंटरव्यू जो होगा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1 सितंबर को जो होगा, 1 सितंबर रीजनल ऑफिस सिपाही टोला वार्ड नंबर 5 नियर कैनरा बैंक SBI ATM पोस्ट कचहरी, उसके बाद PS खाट पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया, इसके बाद जो है पिन कोड हो गया और इसके बाद मोबाइल नंबर पर आप लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए बात कर सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स आपको दूसरा कंपनी के बारे में बताता हूँ किस जगह के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स सारे लोकेशन के लिए है और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूं तो कम से कम वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब जो मैं बता दूँ समझता हूं आपको फाइनेंस में जो आई हुई है इसमें जो मौका दिया गया है फ्रेशर को भी किस पोस्ट के लिए दिया गया और फ्रेशर को और एक्सपीरियंस को दोनों को मौका दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो दिया गया कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर पोस्ट के लिए जो दिया गया हुआ है और इसमें क्वालिफिकेशन आपको 12th पास है या ITI है या डिप्लोमा या ग्रेजुएशन है तो किसी भी पोस्ट पे हैं, तो आप लोग जो मतलब किसी भी इसमें क्वालिफिकेशन अगर पास हैं 12th से लेके ग्रेजुएशन तक किए हुए हैं तो आप लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसमें फ्रेशर को मौका दिया गया, अगर आपके पास ऐसा 1 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी माइक्रो फाइनेंस में तो भी आप लोग इस जॉब को कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एज देखिए 18 से लेकर 29 साल वालों को मौका दिया गया और सैलरी का बात कर लूँ 9,500 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा, फिर एक्सपीरियंस वाला को 11,500 दिया जाएगा, फ्यूल प्लस इंसेंटिव अलग से सारा सुविधा दिया जाएगा। अदर बेनिफिट में आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं पढ़ सकते हैं जो आपको दिया गया हुआ है, तो अदर बेनिफिट में आप लोग ये सब पढ़ दीजिएगा सारा चीज़ दिया गया। और इसका ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स आप लोग इस नंबर पे बात कर सकते हैं और अपना रिज्यूम जो है इस ईमेल आईडी पे भेजें। लेकिन कोई भी जॉब करने के लिए आपको जो है अपना रिज्यूम, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और जिस क्वालिफिकेशन पे लेना चाहते हैं तो वो आपको फोटो कॉपी और ओरिजिनल भी साथ में लेके जाएँ और एक फोटोग्राफ जो है आप लोग पासपोर्ट साइज फ़ोटो साथ में ज़रूर लेके जाएँ। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स आप लोग जो है और इधर भी नंबर दिया गया हुआ है BCM BM ABM सर का, तो आप लोग इस नंबर पर भी बात कर सकते हैं। इसका जो इंटरव्यू का डेट दिया गया आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स 3/9/2021 को दिया गया हुआ और जो है ये ओल्ड बंगलों के पास दिया गया हुआ है, डाक बंगलों के पास। तो आप लोग जो है ये मुर्शिदाबाद, ये जो है तो अगर आप लोग वेस्ट बंगाल से हैं तो हमारे बहुत सारे व्यूवर कमेंट कर रहे थे, तो आप लोग अगर वेस्ट बंगाल से हैं तो आप लोग यहाँ पर इस पते पर जाएँ इंटरव्यू दें। तो फ्रेंड्स इसके बाद देखिए मुर्शिदाबाद में, इसके बाद फ्रेंड्स आपको मैं बता दूँ किस कंपनी में आई हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बता दूँ वीडियो लंबी हो जा रही है तो इस कारण से मैं आपको जो सारे जगह का पता नहीं बता पाता हूँ पढ़ के। चलिए फ्रेंड्स इसमें जो है इंटरव्यू का डेट 4 तारीख को दिया गया और सिंधुजा माइक्रो क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड में जो आई हुई है ये RBI से रजिस्टर्ड कंपनी है। इसमें देखिए TCO पोस्ट के लिए आई हुई है, ट्रेडिंग क्रेडिट ऑफिसर पोस्ट के लिए आई हुई है और क्वालिफिकेशन जो है 12th पास है तो 12th पे कर सकते हैं, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। फ्रेशर को मौका दिया गया और एज जो है 18 से लेकर 28 साल वालों को मौका दिया गया और सैलरी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के अनुसार दिया जाएगा। और इस जॉब को करने के लिए आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, उसके बाद जो है आपके पास बाइक होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और सबसे पहले मैं लोकेशन बता दूँ झारखंड और बिहार के लिए, हमारे बहुत सारे व्यूवर कमेंट कर रहे थे सर बिहार के लिए नहीं बनाते हैं और झारखंड के लिए नहीं बनाते हैं, तो मैं झारखंड के मेरे जो भी व्यूवर हैं उन लोग को बोल दूँ जो आप लोग के लिए इसमें अच्छी रिक्वायरमेंट, आप लोग जाके इंटरव्यू दीजिएगा और जो भी कंपनी में आएगी झारखंड के लिए और मैं आपको भी ज़रूर बताऊँगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है आप लोग इस लोकेशन और अदर बेनिफिट आपको ये सारी सुविधा आपको दिया जाएगा, फिक्स सैलरी इंसेंटिव, इसके बाद जो है सारा कुछ PF सारा कुछ दिया जाएगा, मेंस फैकल्टी आप लोग ये नीचे पढ़ दीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो दिया गया हुआ है पटना में दिया जाएगा और आप लोग पटना में जो है शालीमार स्वीट कॉर्नर है कंकड़बाग में, तो आप लोग इस पता पे जाकर इंटरव्यू दीजिएगा। फिर सासाराम में है तो सासाराम बिहार से में जो है उपेंद्र है डॉक्टर क्लिनिक के पास, आप लोग वहाँ पर जाइए इंटरव्यू दीजिएगा। फिर मुजफ्फरपुर में आई हुई है
तो मुजफ्फरपुर में जो है LNT कॉलेज के पास आप लोग जाके इंटरव्यू दीजिएगा। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए बीच में ये देखिए सारा नंबर दिया गया हुआ है, आप लोग इस नंबर पर बात कर सकते हैं। फिर देखिए बेगूसराय के लिए आए हुए, तो बेगूसराय में जो है परमिला चौक के पास जो है के है संजीव कुमार क्लिनिक के पास आप लोग वहाँ पर जाके इंटरव्यू दे सकते हैं बेगूसराय में। और मैं आपको बता दूँ, अगर आपका जिला अगल बगल में भी है तो आप लोग पूरे बिहार में कहीं से भी हैं तो बिहार में कहीं पर भी जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। फिर देखिए लखीसराय के लिए, हमारे लखीसराय से भी बहुत सारे व्यूअर कमेंट कर रहे थे, अगर लखीसराय में है तो आप लोग मोकामा के पास जो है लखीसराय वहाँ पे जाके इंटरव्यू दीजिए, पेट्रोल पंप इंडियन पेट्रोल पंप के पास वहाँ पे जो है सिंधुजा माइक्रो क्रेडिट PVT LTD का ऑफिस होगा, तो आप लोग वहाँ पे जाइए इंटरव्यू दीजिए। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स इस पते के लिए आई हुई है, इसका फिर देखिए बनमनखी के लिए भी आई हुई है। बनमनखी में अगर आप लोग यहाँ पे देखिए रेलवे स्टेशन के पास बनमनखी में वार्ड नंबर 31 में आप लोग जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। फिर देखिए गिरिडीह के लिए आई हुई है, गिरिडीह में जो आप लोग जो है यहाँ पे जाइए प्रोफेसर कॉलोनी के पास जो आप लोग वहाँ पे जाकर इंटरव्यू दीजिए गिरिडीह झारखंड में। फिर देखिए हजारीबाग में आई हुई है फ्रेंड्स, तो हजारीबाग में जो यहाँ पे आपको जाना होगा हजारीबाग में आप लोग वहाँ पे जाके इंटरव्यू दीजिए। फिर गोड्डा में भी आई हुई है, तो आप लोग गोड्डा में इस पते पे जाएं इंटरव्यू दे। फिर देखिए आप लोग यहाँ पे जो है जो झारखंड में इस पता पे जाके भी आप लोग इंटरव्यू दे सकते हैं। फिर आप लोग जो है यहाँ पे भी जाएं इंटरव्यू दें, झारखंड के लिए भी मैं बता दिया। चलिए फ्रेंड्स आप लोग को मैं बता, तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देखिए जपला में जो आई हुई है झारखंड में, तो आप लोग यहाँ पे भी जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। झारखंड में कहीं से भी हैं, पूरा झारखंड में कहीं से भी हैं, तो आप लोग इस लोकेशन में जाके जो है गोड्डा में गिरिडीह में हजारीबाग में कहीं पे भी जाके इंटरव्यू देने का है तो आप लोग जाके दे सकते हैं। लेकिन आपको जॉब जो होगा आपको होम लोकेशन को देखते हुए दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट करके बताएं। फ्रेंड्स अगर आप लोग का जिला का नाम मैं नहीं लिया हूँ नहीं, तो आप लोग हमें कॉमेंट करिए और मैं आप लोगों के लिए ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग हमें जरूर कमेंट करें आप लोग कहाँ से हैं, तो मैं वहाँ के लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।